रायपुर के दुर्गा कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच हुई झड़प, टकराव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। बता दें कि आज 7 दिसंबर को शहर के बड़े कॉलेजों में शामिल दुर्गा कॉलेज में तीखी झड़प का वीडियो सामने आया है। बता दें कि इस तनाव की स्थिति में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिखे गए हैं। तीखी झड़प के वीडियो सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि छात्रों से मारपीट भी की गई है। कुलपति डॉक्टर मधु कमरा से मिली जानकारी के अनुसार विद्यार्थी बगैर परमिशन लेकर परिसर में घुसे और पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के पहले डीजे बजाने और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इससे और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। स्थिति अनियंत्रित हो गई तो पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। हंगामे को देखते हुए आज विद्यार्थियों की छुट्टी दे दी गई है। साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में महाविद्यालय से सभी विद्यार्थियों को बाहर निकाला गया है। सीएसपी अविनाश ठाकुर ने इस संबंध में बताया कि दोनों गुटों के बीच थोड़ी झड़प की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन पुलिस ने विद्यार्थियों को शांत कराया। साथ ही स्थिति को अभी संभाल लिया गया है। बता दें कि किसी भी की गिरफ्तारी इस दौरान नहीं की गई है। साथ ही किसी भी प्रकार का मामला भी दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल अधिकारियों के निर्देश पर यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।